उत्तर प्रदेश में दो बच्चों के कानून की पैरवी करने वाले बीजेपी के 304 विधायकों में से 152 के 3 से लेकर 8 बच्चे हैं। 8 बच्चों के पिता बीजेपी के सहयोगी अपना दल के विधायक हरिराम ने विश्व जनसंख्या दिवस पर ट्वीट कर लोगों को कम बच्चे पैदा करने की नसीहत दी। 6 बच्चों के पिता विधायक रत्नाकर मिश्रा कहते हैं कि 5 बीवी और 25 बच्चे अब नहीं चलेंगे। देखते हैं रिपोर्ट। नानपारा विधानसभा से बीजेपी एमएलए माधुरी वर्मा को 6 लड़कियां हुई। लड़के की चाह में वो मन्नत मांगने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर पहुंची, फिर उन्हें 7वें नंबर की औलाद लड़का हुआ। ख्वाजा से खुश होके उन्होंने उसका नाम अजमेरी वर्मा रखा। हमने सुना है आपको जो बेटा है मन्नत से हुआ है, उसका नाम आपने अजमेरी रखा है, क्यों अजमेरी नाम रखा है? और अजमेरी नाम रखा है हमारे, जिसे हमने कर रहे तो जहाँ जहाँ गए कि हाँ भाई विधायक जी के एक हमारे लड़का नहीं है, तो उनके हिसाब से जहाँ गए भाई अपने हिसाब से कुछ कह आए तो उनका मानत तो पूर्ण करना है, तो इसी हिसाब से उनका अजमेरी चित्र करना। यूपी बिहार सरहद पे पहाड़ जंगल और झरनों से घिरे सोनभद्र की दुद्धी सीट से बीजेपी के सहयोगी अपना दल के एमएलए 51 साल के हरिराम हैं। विधानसभा की वेबसाइट कहती है कि उनके 8 बच्चे हैं, 4 बेटे और 4 बेटियां, लेकिन विश्व जनसंख्या दिवस पे उन्होंने दूसरों को नसीहत दी कि वे कम बच्चे पैदा करें। लिखते हैं, आइए विश्व जनसंख्या दिवस पे हम एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं और सभी को जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूक करें। यूपी विधानसभा की वेबसाइट का अध्ययन करने से पता चलता है कि बीजेपी के 304 विधायकों में 152 विधायकों के 3 से 8 बच्चे हैं, 1 विधायक के 8, 1 विधायक के 7, 8 विधायकों के 6, 15 विधायकों के 5, 43 विधायकों के 4, 84 विधायकों के 3, 102 विधायकों के 2 और 35 विधायकों का 1 बच्चा है। 15 विधायकों के बच्चे नहीं हैं, इनमें कई गैर शादीशुदा हैं। अक्सर पुराने लोगों के ज्यादा बच्चे हैं क्योंकि तब परिवार नियोजन की सोच कम थी, लेकिन यहाँ खुद 5 बच्चे वाले राजनीति के लिए दूसरों को निशाना बना रहे हैं। मिर्जापुर के बीजेपी एमएलए रत्नाकर मिश्रा के 6 बच्चे हैं, लेकिन वो इसके खिलाफ हैं कि दूसरे ज्यादा बच्चे पैदा करें। वो फौरन 2 बच्चे का कानून चाहते हैं। हमारा यही मानना है कि जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, इसको हम लोगों को पालन करना चाहिए, क्योंकि जो लोगों का एक तरह से यह है कि 5 हम 25 हमारे, अब यह नहीं चलेगा। देश हित में 2 हम 2 हमारे यह होना चाहिए, 5 हम 25 हमारे अब नहीं चलेगा। चित्रकूट से विधायक और पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद के 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियां, लेकिन वो भी 2 बच्चों के कानून के हिमायती हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर निश्चित रूप से कानून भी बनना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण के कानून को प्रभावी ढंग से लागू भी होना चाहिए। सर, एक तरह से देखा जाए तो आपके भी 4 बच्चे हैं। मेरे 4 बच्चे नहीं हैं। जनसंख्या नियंत्रण के एक्सपर्ट डेमोग्राफर्स होते हैं, ना तो नेता होते हैं और ना ही लॉ कमीशन, इसलिए कोई भी कानून उनके राय मशवरे से ही बनाया जाना चाहिए, बशर्ते कि मंशा जनसंख्या नियंत्रण हो, सियासत ना हो।